मेरा नाम राजेश सिन्हा है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं मेरे सिस्टर के कुछ प्रोग्राम में कोटा या जयपुर आया हुआ था, जगतपुरा में। 28 तारीख को सडनली मेरे सीने में पेन हुआ, पेन होने के चक्कर में मेरे को यहाँ लेकर आया इसमें हॉस्पिटल में। तो यहाँ किसी ने हमें बताया था, वैसे संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, उनके संपर्क में आप जाओ एटर्नल हॉस्पिटल में, उनसे संपर्क करना। उनसे संपर्क किया, संजीव शर्मा जी तुरंत आ गए नीचे इमरजेंसी में, उन्होंने चेकअप वगैरह किया हमारा और वहाँ ले गए हमें। और सेकेंड डोज यानी जांच वाँच की जाँच में 100% ब्लॉकेज पाया गया। एज मेरी कम थी, इस हिसाब से उन्होंने कहा भाई ऐसा ब्लॉक वो डालेंगे या तो साफ हो जाए ज़्यादा बेटर, नहीं तो जो घुलने वाला है ऑटोमेटिक यानी वो घुल के खत्म हो जाएगा स्टैंड, तो वो स्टैंड मेरे डाला है। और यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ बहुत बढ़िया है, काफ़ी सेवाभावी स्टाफ है, काफ़ी ध्यान रखता है, किसी तरह की मेरे कोई समस्या नहीं आई, मैं अब काफ़ी फिट हूँ। मिस्टर राजेश मीना, 48 साल के पेशेंट, मेल पेशेंट, हार्ट अटैक के साथ में आए थे और एंजियोग्राफी वाली जांच में ये पाया गया कि उनकी जो राइट वाली जो नस है, जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें 99% क्लॉट के साथ ब्लॉकेज था और इस नस का डायमीटर काफ़ी अच्छा था, मतलब 4 मिलीमीटर की नस थी, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 3-3.5 की होती, 4 मिलीमीटर की नस है और उसमें 99% क्लॉट से के साथ में ब्लॉकेज था। और पेशेंट भी यंग यानी 40-80 ईयर्स के आसपास में, तो ये जो यंग पेशेंट्स हैं और जिनमें क्लॉट के साथ में ब्लॉकेज होता है और डिस्क्रिट लीजन होता है, इसमें हम जो भी लेटेस्ट जनरेशन जो डिजॉल्विंग स्टेंट है, जिसको हम BRS कहते हैं, बायो रिजॉल्वेबल स्कैफोल्ड, उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये स्वतः ही 2 साल के अंदर डिजॉल्व होकर बॉडी का पार्ट बन जाता है और नस एकदम जैसे नॉर्मल नस जो पहले होती है उसी के समान रह जाती है। तो यंग पेशेंट और थ्रोम्बोटिक लीजन, वाइट वेसल, गुड साइज वेसल, ये क्लियर इंडिकेशन है कि BRS हम पेशेंट से, पेशेंट की फैमिली से डिस्कशन के बाद में हमने पहले क्लॉट को पूरा सक आउट किया, लीजन को बैलेट किया, जो BRS का प्लेटफॉर्म को टेक्निक है प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद में 4x29 BRS हमने ब्लॉकेज की जगह पे डिप्लॉय किया और उसको हमने OCT जो हमारी इमेजिंग टेक्निक है, ऑप्टिकल कोहरोस्टोमोग्राफी, जो कि मैंडेटरी है जब भी हम BRS डिप्लॉय करते हैं, पहले नस को से हम इमेज करते हैं ताकि वेसल का एग्जैक्ट साइज मालूम पड़ता है, डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है और साथ में थ्रोम्बस के अलावा कोई फाइब्रोसिस या कैल्शियम तो नहीं है। इस सब के साथ में BRS डिप्लॉय करने के बाद में OCT दोबारा से हम स्कैन करते हैं कि BRS कितना अच्छा डिप्लॉय हुआ है और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के बाद में हम ये प्रोसीजर को फिनिश करते हैं और जितना अच्छा डिप्लॉयमेंट होता है उतना ही लॉन्ग टर्म आउटकम होता है। इनका बहुत अच्छा प्रोसीजर रहा है और डिस्चार्ज होने के बाद में वी विश हिम गुड लक एंड हैव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू।